समाज के तमाम मानक अपना अस्तित्व खो देते हैं जब भारत की स्त्री अपने राष्ट्र के अस्तित्व को लेकर सजग हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्रांति सदा घर से ही शुरू करनी पड़ती है। इतिहास किसी को नहीं भूलता, वो सबको साथ लेकर चलता है। शक्ति रूपेण संस्थित 19 दिसंबर 1928 लाहौर में तैनात ब्रिटिश हुकूमत की पंजाब पुलिस की खास नजर थी उन नौजवानों पर जो लाहौर से बाहर निकल रहे थे। आज पुलिस आम दिनों से कुछ ज्यादा चौकन्नी थी, क्योंकि दो दिन पहले ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सेंडर्स की हत्या किसी क्रांतिकारी ने कर दी थी। लाहौर पुलिस उस सिख क्रांतिकारी को उस इलाके से बाहर न निकलने देने की कसम खाए बैठी थी। अचानक इसी बीच एक संभ्रांत सा दिखने वाला परिवार, एक क्लीन शेव्ड आदमी हैट लगाए हुए, अपनी पत्नी, 3 साल के बच्चे और अपने सहायक के साथ लाहौर से भटिंडा की ट्रेन पर सवार होने के लिए लाहौर स्टेशन पर आता है। उम्र के लिहाज से वो आदमी लगभग उसी उम्र का था जिस उम्र के युवक की पुलिस को तलाश थी, लेकिन ये वो युवक तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये तो कोई क्लीन शेव्ड संभ्रांत सा आदमी था, साथ में एक पत्नी थी, बच्चा था। लिहाजा कई पुलिस वालों ने उसे एक बारगी शक की दृष्टि से देखा तो जरूर, लेकिन उन लोगों के आत्मविश्वास को देखकर उन्हें टोकने या रोकने का कोई कारण पुलिस को मिला नहीं। पुलिस वालों को तो अपनी गलती का एहसास बहुत समय के बाद तब हुआ जब इस खबर की पुष्टि हो गई कि भगत सिंह लाहौर से निकल चुके हैं। और इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम की सूत्रधार थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी जिन्होंने न सिर्फ इस योजना का प्रारूप बनाया बल्कि अमर क्रांतिकारी भगत सिंह जी को भागने में मदद देने के लिए उनकी पत्नी होने का भी अभिनय किया। दुर्गा भाभी यानी कि दुर्गावती देवी। दुर्गा भाभी का जन्म अक्टूबर 1907 में हुआ। बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह हुआ भगवती चरण वोहरा के साथ। पति भगवती चरण वोहरा एक क्रांतिकारी थे। भारत माता को आजाद कराने के लिए निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। दुर्गा भाभी भी अपने पति के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गई। इस दौरान उनका संपर्क भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हो गया। भगवती बाबू क्रांति दस्ते के लिए बम बनाते थे और ये काम दिल्ली में एक साबुन फैक्ट्री की आड़ में गुपचुप तरीके से किया जाता था। इस तरह से पति भगवती बाबू और पत्नी दुर्गावती देवी, जिन्हें क्रांतिकारी साथी बड़े आदर और मातृत्व भाव में दुर्गा भाभी के नाम से बुलाते थे, दोनों मिलकर अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को निरंतर अंजाम दे रहे थे। उनका घर क्रांतिकारियों के लिए कभी तो शरण स्थली बन जाता और कभी बैठक स्थल। कभी क्रांतिकारियों को भूख लगती तो दुर्गा भाभी का घर हाजिर था। कि दुर्गा भाभी और भगवती बाबू दोनों ही अत्यंत संपन्न परिवारों से आते थे और दोनों ही परिवारों की पिछली पीढ़ियां अंग्रेजों के साथ या फिर उनके लिए काम करती हुई आई थी, यानी दोनों के परिवारों के अंग्रेजों के साथ बड़े मधुर संबंध थे। पिछली पीढ़ी के विचार, उनके व्यवहार और उनके सिद्धांतों के विपरीत चलना ये कितना कठिन रहा होगा ये आजकल की स्त्रियां भली भांति अनुमान लगा सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में क्रांति सदा घर से ही शुरू करनी पड़ती है और दुर्गा भाभी ने यही किया। दुर्गा भाभी का मायका और ससुराल यद्यपि दोनों अंग्रेजों से संबद्ध थे, ऐसे में उन्होंने भारत माता को मुक्त कराने के लिए क्रांति का जो निर्णय लिया
ये उनकी हिम्मत उनके साहस के साथ साथ उनकी देशभक्ति की विचारधारा की भी अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। अत्याचारी अंग्रेजी शासन के दौरान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को लाठी लगी और दुर्भाग्यवश उनके प्राण चले गए। इस घटना से क्षुब्ध होकर भगत सिंह जी ने इसका बदला लेने के लिए वहां के एसपी जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान की गड़बड़ी से उन्होंने असिस्टेंट एसपी जॉन सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स की मौत से बौखलाई हुई ब्रिटिश पुलिस ने लाहौर का कोना कोना ब्रिटिश फोर्स से भर दिया और भगत सिंह को पकड़ने की पूरी योजना बना ली। ऐसे में भगत सिंह का बाहर निकलना इतना मुश्किल था, चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था, और ऐसे में तारनहार बनकर के आई दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी ने ये योजना बनाई और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते ही हैं। भगत सिंह, उनकी पत्नी बनी हुई दुर्गा भाभी और सहायक बने कौन? अमर क्रांतिकारी राजगुरु। अंग्रेज पुलिस की नाक के नीचे से निकल भागने में सफल हो गए। अब सोचिए कि अगर ये योजना न बनी होती और भगत सिंह उस दिन वहां से भागने में कामयाब न हुए होते तो फिर दिल्ली का ऐतिहासिक असेंबली कांड भी नहीं हुआ होता, न भगत सिंह की शहादत हुई होती और न ही देश में लाखों भगत सिंह के दीवाने पैदा होते जो देश को आजादी तक ले जाते। दुर्गा भाभी के नाम एकमात्र इसी घटना का श्रेय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिस रिवॉल्वर से चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना बलिदान दिया था वो भी उन्हें दुर्गा भाभी ने ही ला कर दी थी। इतना ही नहीं, उन दिनों उस इलाके में चल रही सभी क्रांतिकारी गतिविधियों में दुर्गा भाभी का सक्रिय हाथ होता था। क्रांतिकारियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी प्रायः दुर्गा भाभी के घर पे ही होती थी। अमर शहीद करतार सिंह सराभा की स्मृति में एक रैली का नेतृत्व भी दुर्गा भाभी ने किया था। इस रैली के कारण एक तरफ जहां क्रांतिकारियों में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान बढ़ा, वहीं वो अंग्रेजों की नजर में भी चढ़ गई। इसी बीच अचानक एक दुखद घटना घटी। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोहरा की मृत्यु बम बनाते समय अचानक बम के फट जाने से हो गई। यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन दुर्गा भाभी ने अपने आप को संभाला और फिर दोबारा अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर लॉर्ड हेली पर भी गोली चलाई, जिसमें हेली तो बच गया लेकिन उसके कुछ साथी मारे गए। परिणाम स्वरूप दुर्गा भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की सख्त सजा हुई। जेल से बाहर आकर उन्होंने कुछ समय के लिए कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन उनका जी नहीं लगा और वो फिर वापस अपने तरीके से गतिविधियों में सक्रिय हो गई। समय बीता और देश आजाद हुआ। कहते हैं ना कि जिसके हृदय में देश की सेवा का संकल्प हो वो देश की सेवा का कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढ ही लेता है। देश की आजादी के बाद दुर्गा भाभी ने शिक्षिका बनने का संकल्प लिया और बकायदा आज के चेन्नई और तब के मद्रास में जाकर इसकी ट्रेनिंग ली और बाद का जीवन उन्होंने इसी तरह गुजारा। अत्यंत शांति और गरिमा के साथ दुर्गा भाभी के जीवन का उत्तरार्ध गाजियाबाद में गुजरा और 1999 में 92 वर्ष की आयु में दुर्गा भाभी अनंत यात्रा पर चली गई। भारत की स्त्री अपना सब कुछ त्याग सकती है। समाज के तमाम मानक अपना अस्तित्व खो देते हैं जब एक स्त्री अपने राष्ट्र के अस्तित्व को लेकर सजग हो जाती है। दुर्गा भाभी की कहानी को जब मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और कहती हूँ तो मैं बार बार उस दौर में चली जाती हूँ। कैसा था वो युग? आज जब घर से बाहर निकलना एक बालिका के लिए, एक लड़की के लिए चुनौती है, कुछ कर गुजरना उसके लिए समाज के तमाम पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में एक पराधीन गुलाम देश को स्वतंत्र कराने के लिए दुर्गा भाभी जैसी साहसी स्त्री अपने परिवार के
विमुख जाकर पति का साथ देती है, राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्प लेती है और अत्यंत निडरता के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होती है। हम कल्पना कर सकते हैं, अवश्य ही उनका तिरस्कार हुआ होगा, अवश्य ही उनका बहिष्कार हुआ होगा, अवश्य ही उनकी आलोचना हुई होगी। किंतु दुर्गा भाभी जैसी स्त्रियां जो मन में राष्ट्र के लिए संकल्प ठान लेती हैं, वो पीछे टिकती नहीं। और यही तो कारण है कि शक्ति रूपेण संस्थिता में आज मैं आपको उनकी कहानी सुना रही। मैं आशा ही नहीं, विश्वास रखती हूँ कि आज दुर्गा भाभी की कहानी को सुनकर आप मन में ये विचार तो अवश्य लाएंगे कि देश की आज़ादी की नायकों की जब बात होती है तो हम सदैव पुरुष क्रांतिकारियों का स्मरण करते हैं। दुर्गा भाभी का नाम और उनका कृतित्व स्वर्णाक्षरों में भारत की आज़ादी के इतिहास में अंकित रहेगा। इसीलिए दुर्गा भाभी जैसे गुमनाम बलिदान की कहानी कही जानी जरूरी है। शक्ति रूपेण संस्थिता।